नमस्कार, दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर है, धृति बनर्जी बनी ZSI की पहली महिला निदेशक। धृति बनर्जी को 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्ति पाने वाली पहली महिला बनी है। डॉक्टर बनर्जी ने अपने करियर में टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स जैसे विषयों पर शोध किया है। वह 2012 से ही ZSI के डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर हैं। इससे पूर्व में ZSI ने 2016 में अपने शताब्दी समारोह के अवसर पर 100 महिला वैज्ञानिकों के योगदान को प्रमाणीकृत किया था। अपनी नियुक्ति के अवसर पर उन्होंने कहा कि ZSI की 100 साल की विरासत उन्हें जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में संगठन को अगले चरण में ले जाने में मदद करेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ZSI की महिला वैज्ञानिक हिमालय और गहरे समुद्र के जीवों की विविधता की जांच करने के लिए नियमित सर्वेक्षण कर रही हैं और इस सर्वेक्षण में लगभग 60% नई प्रजातियों की खोज महिला वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। ZSI की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल और पाइए लेटेस्ट अपडेट।